जिस रेट में भी बिक रहा है ना, बिके तो सही, ये वजह। ठीक है, अब जैसे टमाटर को ही ले ले, चार सौ रुपए तक आ गया था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा नौ भाई? आपकी दुआएं आए थे अंदर भी, क्या वैरायटी लाए जरा आज बताए। आज तो मेरे पास जो अच्छे माल थे वो तकरीबन सारे सेल हो गए हैं। अच्छा, तो अब जो बचा हुआ है वो ये है कि सादा ऑरेंज है और ब्लैक ब्रेस्टेड है, ब्लैक चिक, ब्लैक फेज है, ब्लैक फेज ब्लैक ब्रेस्टेड है। सही, तो ये है, ये 4000 रुपए से लेकर के 8000 रुपए तक का पेयर है। सही, सॉरी 7000 रुपए तक। सही, ठीक है। और इससे नीचे आ जाए तो कॉमन है, कॉमन का जो है वो 600-800 रुपए है, जो 600 में दे दूंगा। सही सही, ठीक है। इसके बाद आ जाए बराबर में तो ये सनो वाइट है और पेंगविंग है। सनो वाइट और पेंगविंग 3000 रुपए मांग रहा हूँ, जो 2000 रुपए में दे दूंगा। सही, ठीक है। ये बेंगलाइज है जो 1500 रुपए मांग रहा हूँ, 1200 में दे दूंगा। इसके नीचे जो है वो वाइट चिक है, क्रिस्टिड है और पाइड है, जो 1200 रुपए मांग रहा हूँ 1000 रुपए में दे दूंगा। सही। अच्छा अनवर भाई, काफी अरसे से हम आपको देख रहे हैं, आए हुए हैं, और उससे भी पुराने हैं आप, काफी अरसा पुराने आप बता रहे हैं मार्केट में। उन चीज की प्राइसेस बहुत डाउन हो गई है। बास का कहना है कि बाजरा महंगा है, बास कहते हैं कुछ बीमारी है, बास कहते हैं कुछ ठंड की वजह से, क्या वजह आपकी नजर में है? सर मेरी वजह में देखिए, एक चीज आपको समझाऊं। सही, एक चीज आपको मिल रही है कम। सही, जब कम मिल रही है तो महंगी होती है। सही, ठीक है। अब जैसे टमाटर को ही ले ले, हाँ हाँ, 400 रुपए तक आ गया था। सही, इसी तरह दाना की पोजीशन हो गई, दाना है नहीं, हर आदमी का अपना रेट है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, सेल आउट नहीं है, यानी माल बाहर जा ही नहीं रहा है, पाबंदी है। अब आपके पास क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो आप कह रहे हैं यार जिस रेट में भी बिक रहा है ना, बिके तो सही, ये वजह है, बेसिक वजह ये है। सही, जिस दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल गया उस दिन मेरा अंदाजा है कि कॉमन कम से कम इंशाल्लाह 2000 रुपए का रेट होगा। अच्छा अच्छा, ये एक्सपोर्ट जो जा रही है, बाहर जो जा रही है, अभी जा नहीं रही ना? नहीं, वैसे जाती थी, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ बंद है, क्या वजह है, क्यों नहीं जा रही है? अब ये तो हमारी गवर्नमेंट समझती है पैसा, गवर्नमेंट, हम तो छोटे आदमी हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने का फायदा क्या और नुकसान क्या है। सही बात, ये तो बड़े लोग हैं, हम उनका काम है कि क्या फायदा क्या नुकसान, ये वो बेहतर समझते हैं। अच्छा अनवर भाई, अभी किसी को अगर बस का काम शुरू करना है तो क्या कह रहे हैं आपका, ये अच्छा वक्त है, अच्छा मौका है ये? देखिए, अगर वो थोड़ा सा रोक सकता है माल को, तो सबसे अच्छा मौका यही होता है। अच्छा, सबसे अच्छा मौका यही अगर अपना बिजनेस शुरू करना है बस से हवाले। जी हाँ, आपको हैरत होगी, सरजानी में एक साहब थे, जब पिछली दफा बस का रेट गिरा था तो उन्होंने व्हाइट चिक लेके भर दिया। अच्छा, इतना कर दिया था कि उनके 3 मंजिला मकान था, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, 3 मंजिला पूरा भर दिया। अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा लेते रहे, भरते रहे। इत्तेफाक ये है कि अब उनकी बस से बाहर हो गए और उनकी किस्मत एक्सपोर्ट खुल गया। एक्सपोर्ट खुलते ही जो रेट आया था वो मुझे जो याद पड़ता, हो सकता है कि मैं इंसान हूँ, भूल गया हूँ, 1200 रुपए रेट, 1500 रुपए रेट था। उन्होंने सारा बेच दिया, बेचते ही अब उसके बराबर वाला और उससे पीछे दो, यानी अब उनके पास चौकड़ी मकान हो गया वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है ना लक, सही, ये उनकी लक। ठीक है अनवर भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। अनवर भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें, जिस भाई को भी वैरायटी चाहिए आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इंशाल्लाह। मेरा नंबर है 0333-4123-67। लोकेशन मेरे जो मेरा ब्रिड का फार्म है वो यही शरीफाबाद में है। वैसे सेल का माल मैं सरजानी में रखता हूँ। चलिए भाई, अनवर भाई भाई माशाल्लाह, एक से एक वैरायटी होती है, जिस भाई को फ्रेंचाइज वगैरह कॉमन की बहुत सारी वैरायटी ऐसी, अनवर भाई का नंबर दे दिया, इनसे रब्ता कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद चीजें होती है इनके पास। ठीक है अनवर भाई, बहुत शुक्रिया, अगर से साहब आए हुए हैं इंशाल्लाह, उनको अभी मैं फार्म पे लेके जाऊंगा अपने, सही, वहाँ उनको दिखाऊंगा, तो देखें क्या बात होती है। इंशाल्लाह 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 बेहतर करेगा, अल्लाह पाक आसानी देगा। ठीक है अनवर भाई, अल्लाह हाफिज़।